हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विप्रो का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए अपने लैब को कैसे सेटअप करें। इस बार एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है तो सारा सेटअप हमें खुद ही करना होगा। तो चलो अब बात करते हैं हम उसे कैसे सेटअप करें। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर किसी ने अभी तक रजिस्टर नहीं कराया तो वो कर सकते हैं, अभी भी रजिस्टर करने के लिए टाइम है हमारे पास। ये BCA और BSc वालों के लिए है जिन्होंने 2019 में या 2020 में अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट करा है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है, जो यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, जो 60% होना ही चाहिए 10th या 12th में, बस पासिंग मार्क्स होना चाहिए। लेकिन हाँ, ग्रेजुएशन में 60% या 6 CGPA होना ही चाहिए। और मैं यहाँ पर पूरे रजिस्ट्रेशन के बारे में तो बात नहीं करने वाला हूँ, मैं यहाँ लैब सेटअप के बारे में बात करने वाला हूँ। तो इसीलिए जिन्होंने रजिस्टर नहीं करा वो अप्लाई ऑफिस से अप्लाई कर सकते हैं अभी भी। तो चलो अब बात करते हैं जो हम अपने लैब को कैसे सेटअप करें। तो देखते हैं हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए। सबसे पहले गूगल क्रोम को हमें अपडेट करना होगा। अब कितनों को शायद ना पता हो कैसे करेंगे, तो मैं बता दूं, सबसे पहले हम अपना क्रोम ओपन कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट्स है उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हेल्प, देन अबाउट गूगल क्रोम। मेरा गूगल क्रोम पहले से ही अप टू डेट है, तो अगर किसी का नहीं है तो यहाँ से अपडेट करके क्रोम को रीस्टार्ट कर लेना, तो आपका क्रोम अपडेट हो जाएगा। अब सेकंड बात करते हैं, जिसके बाद क्या करना है, इंस्टॉल डॉट नेट फ्रेमवर्क, वो भी देखते हैं। क्रोम पे जाना है और सिंपल लिखना है डाउनलोड डॉट नेट फ्रेमवर्क। अब जिसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से वो यहाँ पे क्लिक करेंगे और उनका डॉट नेट फ्रेमवर्क उनके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। मैं डाउनलोड करके नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि वो आप खुद भी कर सकते हो यहाँ से। अब उसके बाद देखते हैं थर्ड क्या है हमें, इनेबल जावा स्क्रिप्ट इन क्रोम। तो क्रोम में बाय डिफॉल्ट जावा स्क्रिप्ट इनेबल होता है, तो इस स्टेप को हम स्किप करते हैं, इसकी हमें कोई भी जरूरत नहीं है। गिव एक्सेस टू कैमरा एंड माइक ऑन ब्राउजर। अब ये देख लेते कैसे करेंगे हम। तो सेम प्रोसेस है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाना है, उसके बाद साइट सिक्योरिटी में, उसके बाद कैमरा इनेबल, माइक्रोफोन इनेबल, बस ये भी हो गया। अब थर्ड देखते हैं हम, क्लियरिंग कैसे फ्रॉम क्रोम। अब हम ये देखते हैं जो हम कैसे अपने क्रोम को क्लीन करना कहते हैं इसे, जो हम अपने क्रोम को कैसे क्लीन करें, क्योंकि उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें अपने क्रोम को क्लीन रखना होगा। तो इसका सिंपल सा वे है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, हिस्ट्री में जाना है, फिर से यहाँ पे हम हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे क्लियर ब्राउजिंग डेटा पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम क्लियर डेटा पे क्लिक कर देंगे और क्लियर हो जाएगा। चलो मैं इसे बंद करता हूँ अभी। एंड उसके बाद देखते हैं, देखो मेरा हिस्ट्री पूरा क्लियर हो गया है। और टेस्ट स्टार्ट करने से पहले ये जरूर कर लेना थर्ड। अब जब ये सब प्रोसेस हो जाएगा तो उसके बाद हम देखेंगे जो SAV टूल को कैसे इंस्टॉल करें, क्योंकि इसके बाद ही हम टेस्ट को प्रोसीड कर सकते हैं। तो इससे पहले हम चेक करते हैं जो अब हमारा जो सिस्टम है उसका सेटअप प्रॉपर वे से हो रखा है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उन्होंने सेकंड मेल भेजा है, इस टाइप से मेल आया होगा। तो सेकंड मेल पे देखो यहाँ पे क्या है, चेक इफ योर सिस्टम इज कंपेटिबल फॉर द टेस्ट। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखते हैं क्या होता है।
देखो मेरा सिस्टम यहाँ पे वेबकैम ऑडियो के लिए कर रहा है, तो यहाँ पे हम अलाउ कर देंगे इसे। तो ये देखो कैमरा ऑन हो गया और ऑडियो के लिए कह रहा है, तो चेक ऑडियो करके इसे भी हम अलाउ कर देंगे। तो फिर ये दोनों ही हो जाएगा, तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। जब ये हो जाए उसके बाद इस लिंक पे क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करते ही आपका जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगा। याद रखना, दो बार से ज़्यादा हम इस लिंक पे क्लिक नहीं कर सकते, इसलिए मैं अभी करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले डाउनलोड करके रख रखा है। जब मैं डाउनलोड्स में जाऊँगा तो आप देख सकते हो ऐसे भी टेक फॉर्म। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, इसे हम ओपन करते हैं। तो आप इसे अनजिप करना, ऐसे ओपन मत करना। मैं फिर से दिखाता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे राइट क्लिक, 7-Zip मैं यूज करता हूँ, एक्सट्रैक्ट कर लूँगा यहाँ से। यहाँ पे ये जिप को मैंने अनजिप कर लिया, इसे फिर मैं ओपन करता हूँ टेक फॉर्म। अब मेरा विंडो 10 है, अगर आपका 7 या 8 है तो आप इस पर क्लिक करना, अगर आपका भी विंडो 10 है तो इस पर क्लिक करना। हाँ याद रखना, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 7 और 7 से ऊपर होना चाहिए, उससे कम का नहीं चलेगा। उसके बाद यहाँ से exe फाइल डाउनलोड करना है, यहाँ हम इंस्टॉल कर लेंगे, ये डाउनलोड हो रखा है। और यहाँ से यस करके अपना डाउनलोड कर लेना। मैं करके नहीं दिखाने वाला, क्योंकि मैं टेस्ट नहीं देने वाला, क्योंकि मैं पहले से ही TCS में जॉब करता हूँ और मैंने विप्रो का भी एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था, उसका भी इंटरव्यू क्लियर कर लिया था। तो हो सकता है अगले वीक तक मैं इंटरव्यू क्वेश्चन लाऊँ, जो वो क्या तुमसे पूछ सकते हैं और क्या नहीं, तो उसके लिए भी वेट करना। सब्सक्राइब कर देना तो नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगा, तो उसकी कोई टेंशन मत लेना। अगर तुम एग्ज़ाम क्लियर कर देते हो तो इंटरव्यू क्लियर करवाना मेरा काम है। तो फिर यहाँ से हम इसे, मैं नहीं कर रहा इसे इंस्टॉल, अब मैं बताता हूँ इंस्टॉल करते टाइम कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब भी हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसी नोटिफिकेशन आएगी, विंडो प्रोटेक्टेड योर पीसी। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे मोर इन्फो का ऑप्शन है, मोर इन्फो पे क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे नीचे एक बटन आ जाएगा रन एनीवे का, उस पर क्लिक करके आप रन एनीवे करके उसे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद उसे इंस्टॉल कर लेना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रहा है तो सिंपल है, यहाँ पे सिक्योरिटी सर्च करूँगा, मैं विंडोज सिक्योरिटी में जाऊँगा और विंडो सिक्योरिटी से वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में जाऊंगा, और जितना भी यहाँ से मैनेज सेटिंग में जाके इसे ऑफ कर लूंगा, मैनेज रैनसमवेयर प्रोटेक्शन में जाके इसे ऑफ कर लूंगा, तो फायरवॉल नेटवर्क प्रोटेक्शन में जाके सबको ऑफ कर दूंगा। तो उसके बाद क्या होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैं इसे आराम से इंस्टॉल करके रन कर सकता हूँ। तो यही था कंप्लीट सेटअप, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर करना। ओके बाय।